हम सबके लिए लिखने लगते हैं, ये यूनिवर्सल है। तो मैं अपने लिए तो लिखती ही हूँ, पर मैं सबके लिए लिखती हूँ। इससे बहुत लोग बात करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स बात करते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं, तो वो भी मैं कविता ही लिखती हूँ। हाँ, तो इस तरह से आई थिंक ये सबके लिए है। इसीलिए जिसने भी ये पढ़ी है किताब, मुझे हर एक ने कहा है कि कोई एक कविता या दो कविताएं वो उनको लगता है जैसे उनकी। ये बात मुझसे हर एक ने कही कि आपकी ये वाली कविता मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है। ये तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है शायद इस लेखन की, कि हर एक को इसमें अपने परिवार की, अपने बैकग्राउंड की, अपने घर की याद आ रही है या अपनी परिस्थिति की याद आ रही है। सो इसलिए समर्पित है। अब ये किताब मेरी नहीं, ये किताब हम सबकी है। बेसिकली मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही हूँ। स्टूडियो लाइफ है, लोगों से मिलना जुलना है, पूरे दिन का ही काम ये है लोगों के अंदर, यू नो। सो जब आप ज़्यादा लोगों के अंदर रहने लगते हो तो आप अपने अंदर थोड़ा कम रहते हो, बिकॉज आप दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल रहना आपका काम हो जाता है, यू नो। एंड जब ये ईशा ने मेरे को बताया है तो मेरे लिए बहुत ही मैजिकल है, बिकॉज मैं मैम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ मास्कॉम यूनिवर्सिटी में। एंड बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन हमारा ऑलरेडी था, बट ये नहीं पता था किसी दिन ऐसा मौका लगेगा जहाँ इतनी ब्यूटीफुली निशा हैज़ क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस टू कम टुगेदर। एंड द वे शी डायरेक्टेड, बिकॉज जब डायरेक्शन हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो मैं सोचती हूँ खाली मेरे लिए है, ये दुनिया को प्रोसेस करने के लिए नहीं है, तो मैं शेयर भी नहीं करती, बिकॉज मेरा खुश रहने का काम है। फिर तो मैं खुश करना और खुश रहना ही मैं अपने आप धर्म मानती हूँ। बट जब मुझे कहा गया सीरियस होने के लिए कैमरा के सामने, तो मुझे असली स्ट्रगल फील हुई कि मेरे फेस पे जो मेरे सीरियस लुक है वो मेरे को कैमरे के सामने देने में इतनी आसानी नहीं लगी थी। सो मेरा स्ट्रगल इस पूरी प्रोडक्शन में था अपनी असलियत जो मैंने अपने लिए रखी है उसको दूसरों तक दिखाने के लिए। यस। एंड ऑल्सो जो मेरे को इस कविता में बहुत प्यारी चीज़ लगी वो यही कि लाइफ टेम्प्ररी है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, कोई भी थॉट परमानेंट नहीं है। तो अगर एक तरफ किसी का कंपेनियन था मेरा और आज वो कंपेनियन नहीं है और एक कुशन है मेरे को जिस पर सहारा मिल रहा है, मींस कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट लाइफ में आएगा, तो उसको ये स्ट्रगल समझ के जीना है तो वो भी एक चॉइस है। अगर उसको देखना नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव की तरीके से तो वो भी एक चॉइस है, यू नो। तो हर रोज़ मैं कितनी भी प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, पर जब मैं फ्लोर पर आती हूँ मैं भूल जाती हूँ, यू नो। सो आई थिंक वी हैव टू इन्जॉय।